उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुरादाबाद भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर विकास भवन में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्वीप के जरिए स्कूली छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने और नए वोटर से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की अपील की। छात्राओं का कहना है कि मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक पेश किया है, जिससे मतदाता अपने एक एक वोट की कीमत समझ सकें और मतदान करके एक अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान दें, जो देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कोई भी मतदाता ना छूटे यह हम सबका प्रयास रहना चाहिए। जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, उन युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने छात्र छात्राओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित करने की प्रशंसा भी की। हमने आज एक नुक्कड़ नाटक किया था मतदान के ऊपर, तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि मतदान हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के लोग मतदान का महत्व नहीं भी समझते, इसलिए हमने ये नुक्कड़ नाटक तैयार किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हर कोई अपना मतदान दे, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हमारी एक वोट से हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, और जो नेता होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो नेता बनाने की जो पावर होती है ना, ये हमारी पब्लिक के हाथ में होती है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो नेता अच्छा नहीं बनेगा, अगर हम वोट सभी लोग जाएंगे डालने तो बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतदान हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि आपकी सरकार कैसी आई है और ये ऐसे वैसे कुछ भी बोल देती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि हम वोट डालने जाते ही नहीं हैं। कुछ लोग वोट डालने जाते ही नहीं हैं, लेकिन अपने सारे काम छोड़ें और वोट डालने जाएं। एक वोट उनके हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक वोट डालने जाएंगे तो हमारा फ्यूचर चेंज हो सकता है, हमारा फ्यूचर बदल सकता है, अच्छा हो सकता है। फिर अगर जो वोट डालने नहीं जाता वो आकर ये कहते हैं कि आपकी सरकार कैसी आई है, कुछ करती नहीं है, वादे तो इतने बड़े बड़े करती कुछ नहीं है। प्लीज़ एक वोट ज़रूर डालने आएँ। 18 जिसकी 18 एज के बाद अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लें और उसके बाद अपना वोट डालें ज़रूर आएँ। क्योंकि बच्चों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक विकास भवन में प्रस्तुत किया गया है, और मूल उद्देश्य जो स्वीप गतिविधियों का होता है वो मतदाता जागरूकता को लेकर के होता है। तो बहुत अच्छी तरह से एक नाटक के माध्यम से सभी छात्रों ने हम लोगों को ये संदेश दिया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग 100% हमें करना चाहिए और एक ऐसे उम्मीदवार के लिए अपना मत डालना चाहिए जो विकास कर सके उस क्षेत्र का और किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर के चुनाव की शुचिता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोगों ने एक बहुत बृहद कार्य योजना बनाई है पूरे जनपद के लिए, और सभी प्रमुख जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं उनको ये कार्यक्रम दिया गया है, और समय समय पर इसी तरह के कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है ताकि बाद में चुनाव आयोग को भी ये भेजा जा सके।